हाय एवरीवन दिस इज़ विरोनिका आज का टॉपिक जो है डिस्कशन का वो क्या है प्रोजेक्ट हांगुल तो आप देखें जिस तरह से हम कंजर्वेशन एफर्ट्स आजकल कवर कर रहे हैं तो हम ड्राइंग कि सारे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर हो गया प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया ये सब हम कवर कर लें स्नो लेपेड भी हमने कवर किया तो आज ये छोटा लेक्चर रहेगा हांगुल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हांगुल देखिए क्या है जो पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े एंटलर्स हैं इसके डियर जैसा दिखने वाला ये एनिमल इसको हांगुल बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं कश्मीर स्टैग ये आपने सुना होगा डाचीगाम जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये पाया जाता है अब देखिए हांगुल के बारे में डिटेल में कि किस तरह से इसका कंजर्वेशन प्लान शुरू हुआ अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम कहीं पे भी पीडीएफ जो है इस लेक्चर्स का सभी लेक्चर्स का टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली अपडेट करती हूँ वहाँ से ले सकते हैं अपडेट्स तो यूजली आपको कहीं पर भी आ, मिल जाएंगे चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं कश्मीरी स्टैग कश्मीर स्टैग इसको बोला जाता है हांगुल को अब बोला जाता है कि ये सब स्पीशीज़ है सेंट्रल एशियन रेड डियर की जो कि कहाँ का नेटिव है नर्दर्न इंडिया का ये बोला जाता है देखिए डेफिनेटली नेटिव ये नार्दर्न इंडिया का है अब ये सब स्पीशीज़ है एशियन डियर की या नहीं यहाँ पे थोड़ा से अलग अलग रिसर्च पेपर्स अलग बात करते हैं आ, कुछ इसको एशियन रेड डियर का सब स्पीशीज़ बोलते हैं और कई लोग मानते हैं कि एल्क जैसा दिखने वाला एनिमल राइट उस स्पीशीज़ का भी है तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे अब देखिए स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है इस तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट हर स्टेट का आपको uh, क्या एनिमल रहता है ये मालूम होना चाहिए अब डेफिनेटली जो जम्मू कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी हो गई है बट इसको रेफ़र किया जाता है स्टेट एनिमल जम्मू कश्मीर का अब ये जो आपका डचीगाम नेशनल पार्क है कश्मीर में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन जितनी भी पॉपुलेशन बची है वो वहाँ पे पाई जाती है और एलिवेशन देखिए डचीगाम नेशनल पार्क का कितना है थ्री थाउजेंड थर्टी फाइव मीटर्स ये बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे ये एनिमल पाया जा पाया जाता है अब नाइनटीन सेवेंटीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने आई और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मदद से एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया कि हमें हंगुल के लिए प्रोटेक्शन चाहिए ताकि कश्मीर में इस टैग के हैबिटेट को हम बचा सकें देखिए उस टाइम ऑलमोस्ट दो और एनिमल्स थे आपके एशियन लायन हो गया और वन हॉर्नड राइनो हो गया जिनको देखा गया था कि जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है लेकिन जिस हिसाब से प्रोटेक्शन एशियन लायन और वन हाइड हॉन्ड को मिली जिस जिस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स इन दो तो एनिमल्स के लिए लगाए गए उतना ये जो आपका स्टैग है कश्मीर स्टैग हांगुल इतना उसके लिए नहीं लगाया गया तो तब इसके चलते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया आई की सपोर्ट से डब्ल्यू की सपोर्ट से एक प्रोजेक्ट जो है इसके प्रोटेक्शन के लिए वो तैयार किया गया ताकि हम इसके हैबिटेट को भी बचा सकें अब ये जो प्रोजेक्ट था फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीर स्टैग इसको बोला गया प्रोजेक्ट हांगुल और इसका पॉपुलेशन 1970s में ये प्रोजेक्ट लाया गया तो देखिए नाइनटीन एटी तक इसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट 340 नंबर में ये 1980 में पाया जाता था तो अब ऑलमोस्ट इससे भी फिर से ये कम हो गया है अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन पढ़ लेते हैं अब देखिए कश्मीर स्टैग जो है ये जिसको हांगुल कहा जाता है अब जैसे रेड डियर का इसको बोला गया सब स्पीशीज तो कुछ जेनेटिक स्टडीज हमको बताती हैं कि इट इज़ मोर क्लोज टू एल्क नेटिव जो एल्क है एल्क भी एक तरह का एनिमल होता है इसी तरह से डियर्स जैसा दिखने वाला तो ये उसका सब स्पीशीज़ है कश्मीर में और ये कश्मीर के जो डेंस रिवराइन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे हाई वैलीज़ में ये पाया जाता है इससे पहले अभी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कश्मीर वैली में लेकिन ये नजर जो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे भी पाया जाता है हो सकता है अभी भी कुछ नंबर में वहाँ पे हो लेकिन अब इसकी पॉपुलेशन एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो गई है कश्मीर में और इनफैक्ट ये माना जाता है कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं डी गांव के बाहर भी ये चला गया है जो इसका पुराना माइग्रेटरी रूट था गुरेज वैली से होके वहाँ पर भी ये मूव कर चुके हैं अब कश्मीर में याद रखना है डची गाँव नेशनल पार्क में पाया जाता है जहाँ पे इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है लेकिन अगर ये कहीं और बाहर जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क में होगा रिस्क जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पोचिंग हंटिंग ये सब थ्रेड्स इनको रहती हैं तो इसके मीट के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है और दूसरा इसके बहुत ब्यूटीफुल एंटलर्स हैं उनके लिए भी इसको मारा जाता है अब नाइनटीन में अगर हम देखें इसकी पॉपुलेशन जब नाइनटीन सेंचुरी शुरू हुई थी सॉरी नाइनटीन जो है वो शुरू हुआ था तो उस टाइम थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड थे तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से इनका नंबर गिरा है कि ये नाइनटीन सेवेंटीज़ में नाइनटीन एट्टी में कंजर्वेशन के बाद भी इनका नंबर मैंने आपको थ्री फोर्टी बताया उतना हुआ तो थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड से इतना ड्रॉप देखा गया रीज़न हैबिटाट डिस्ट्रक्शन ओवरग्रेजिंग पोचिंग ये सब जो है ड्रामेटिकली इसका नंबर डिक्रीज हुआ है इस वजह से अब देखिए पहले जैसे मैंने बताया कि माना जाता था रेड डियर का सब स्पीशीज़ है जिसका साइंटिफिक uh, नेम है सर्वस इलाफस ओके okay? लेकिन बहुत ज्यादा जेनेटिक स्टडीज जब होती हैं जब हम किसी के डीएनए को स्टडी करते हैं तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये किसके क्लोज है ये स्पीशीज तो जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जेनेटिक स्टडीज इसकी की गई आपके हंगुल की तो पता चला कि हंगुल एशियन क्लैड जो है एल्क का उसका ये पार्ट है ओके okay? Uh, अब देखिए आई जो है वो इंक्लूड करता है एक नई ग्रुपिंग इन्होंने बनाई है सेंट्रल एशियन रेड डियर जिसको बोला जाता है सर्वस हंगलू विद द कश्मीर स्टैग बीइंग टाइप ऑफ स्पीशीज सर्वस हंगलू हंगलू तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2019 थाउजेंड नाइनटीन यहाँ पर इन्होंने ये नई ग्रुपिंग की है इसलिए अब ये जो सेंसस है 2019 का यहाँ पे बताया गया है सिर्फ 237 थर्टी हंगुल्स जो हैं वो बचे हैं ये नंबर लेटेस्ट है हमारे पास आ, 237 2017 का भी डेटा था आई थिंक उसमें 214 नंबर इनका सामने आया था 2017 में 2019 में आप देखिए 237 हो गया और 1980 की बात अगर हम कर रहे हैं तो कितना था 340 ओके okay. तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है 80 के बाद तो अगेन डिक्लाइन हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए जितना भी हमने कंजर्वेशन एफर्ट किया इसका मतलब कही कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा है हमारा प्रोजेक्ट हंगुल अब ये जो डियर है इसके बाद इसके बारे में आप देखिए इसका लाइट रंप पैच इस पर रहता है विदाउट इंक्लूडिंग द टेल टेल के ऊपर नहीं बाकी बॉडी के ऊपर कोट कलर इसका बॉडी कलर जो है वो ब्राउन है और इसके स्पेक्लिंग मतलब ब्राउन इसके हेयर जैसा इसका पूरा बॉडी कलर है इनर साइड्स ऑफ बटोक्स आर ग्रेइश वाइट इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है फॉलोड बाय अ लाइन ऑन द इनर साइड्स ऑफ द थाइज एंड ब्लैक ऑन द अपर साइड ऑफ द टेल और एंटलर जो, जो इसके सर पे सींग है इतने बड़े बड़े एंटलर्स जिनको बोला जाता है ईच एंटलर कंसिस्ट ऑफ फाइव टाइम्स द बीम इज स्ट्रांगली कर्व्ड इनवर्ट जो उसका बीम है बहुत कर्वड होता है इन साइड तो अल्टीमेटली इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि एनिमल दिखने में भी बहुत सुंदर है आपको पढ़ के ही मालूम होगा तभी कई बार इसको मारा जाता है इसका पोचिंग हंटिंग होता है तो इसका सर काट के लोग एज अ उसको प्रिजर्व करके अपनी दीवारों पर लगाते हैं तो जो कि आजकल हम बिल्कुल भी इसको एंडोर्स नहीं करेंगे गलत है तो इसीलिए इसका हंचिंग पोटिंग पोचिंग होता था और इसको बहुत ज़्यादा प्राइस में लोग खरीदते थे इसलिए इनका पॉपुलेशन इतना कम हो गया दिस डियर लिव्स इन ग्रुप ऑफ़ टू टू एटीन इंडिविजुअल दो से एटीन इंडिविजुअल के ग्रुप में ये डियर रहता है जितने भी आपके रिवराइन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर हाई वैलीज पे माउंटेंस जो हैं कश्मीर वैली की और नदरन चंबा की इन कश्मीर ये तो मैं आपको दो बार बता चुकी हूं अब देखिए डची गांव आपको मैंने हर बार बताया लेकिन जो आपका राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वेरू अरू है सिंध वैली है यहाँ पे किश्तवाड़ बदरवा यहाँ पे भी कई बार इनको नोटिस किया जाता है पाया जाता है किश्तवार किश्तवाड़ बदरवा वाले एरियाज में भी ओके अब इसकी कंजर्वेशन की बात करें तो कश्मीर स्टैग कहाँ पे पाया जाता है बता दिया ये आपको याद रखना है ग्रुप्स कितने ग्रुप्स में रहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब ट्वेंटी सेंचुरी में आपको इनका नंबर भी मैंने बता दिया फैक्ट्स के हिसाब से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जस्ट अ रिविजन अभी देखिए जो एशियाटिक मेंबर है ऑफ रेड डियर फैमिली जो है हंगूल अब सिर्फ इकलौता सर्वाइविंग स्पीशीज़ है बाकी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मेल मेंबर्स जो हैं इसके उनको कश्मीर रेड स्टाक इनके ब्यूटीफुल एंटलर्स होते हैं मेल के ओके okay? जिनके 11 टू 16 पॉइंट्स एंटलर्स के आपको दिखेंगे और ये जो सोसाइटी है कश्मीर स्टैग की इसको मैट्रियार्कल बोला जाता है इस एनिमल की जो सोसाइटी है वो मैट्रिया मैट्रियार्कल है 1950s में इसको कंसीडर किया गया है रेयरेस्ट स्पीशीज़ कि मैमल्स की ये जो स्पीशीज़ हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत रेयर है अब डच्चीगाम नेशनल पार्क में भी इनका पॉपुलेशन बहुत इफ़ेक्ट होने लग गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट्स आने लग गए फिर कश्मीर स्टैग इस वजह से इसके मीट के लिए इसको मारना शुरू कर दिया तो ये भी एक रीज़न है क्योंकि थ्रेट्स में जितने भी देखिए ये जो एनिमल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको बोला जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि, कि किसी भी एनिमल को क्रिटिकल एंडेंजर्ड कब कहा जाता है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसमें भी स्केडूल वन में ये एनिमल हंगूल जो है वो प्रोटेक्टेड है उसके बाद आई यू एस स्टेटस इसका बता दिया मैंने कब बताया आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब कब किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है उसके कुछ क्राइटीरिया हैं वो क्राइटीरिया मैं आपको एकदम जल्दी से बताऊँगी पहली बात उसकी जो पॉपुलेशन है पिछले दस सालों में एट्टी से ज़्यादा कम हो गई एक ये क्राइटीरिया है ये एनिमल रिस्ट्रिक्ट हो गया एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे क्योंकि जैसे बताया कश्मीर हिमाचल पहले हर जगह पाया जाता था लेकिन अब ये कश्मीर में ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो जब पॉपुलेशन किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया पे रिस्ट्रिक्ट हो गई तो भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड बोलेंगे अगर किसी का पॉपुलेशन तीसरा कंडीशन है इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसका पॉपुलेशन टू से कम हो चुका है और डिक्लाइनिंग रेट लास्ट तीन सालों में 25 परसेंट से ज्यादा है तो भी उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेंगे यानी लास्ट तीन सालों में 25 परसेंट के हिसाब से उसका पॉपुलेशन कम हो रहा है फोर्थ हो गया कि उसकी बहुत ही स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है और उसके मेच्योर इंडिविजुअल आपको ऑलमोस्ट 50 के करीब है 50 से कम है तो भी वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड होगा और फिफ्थ पॉइंट है कि उसका एक्सटेंशन का प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये सब कंडीशंस होंगी तो उसका एक्सटेंशन का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उस एनिमल को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेंगे चलिए थ्रेट्स पे आते हैं तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया है तो ये एक रीजन है ओवरग्रेजिंग अब क्या करते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत सारा उनका डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक है उनको ग्रेज कराने के लिए लेके जाते हैं तो हंगूल के लिए कुछ नहीं बचता इससे स्ट्रेस सिचुएशंस आती हैं इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो इफेक्ट होता है और पोचिंग तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इस रेड स्टैक को उसके एंटलर्स के लिए उसकी बॉडी के लिए बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है और इनफैक्ट उसके मीट के लिए भी इसको हंट इलीगल हंटिंग इनकी की जाती है अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंसस अब देखिएगा 1940s में मैंने आपको बताया 3000 टू 5000 ओके okay, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेट मी राइट हियर 1940 में 3000 टू 5000 उसके बाद इसका फिर से सर्वे हुआ 2004 में तो 197 थे ये लेकिन इसका सेक्स रेशो बहुत कम था 19 फॉर हंड्रेड फीमेल्स नाइनटीन मेल्स थे 100 फीमेल्स पे फिर 2006 में जो सर्वे हुआ इनका नंबर और रिड्यूस होके 153 हो गया फिर यहाँ पे देखिए 2006 तक लिखा है, 2008 मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2008 में जो सर्वे हुआ 160, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 2015 में 186, और और के सर, 19 के सर्वे के बारे में मैंने बताया जब इनको कॉलर किया गया कि इनका नंबर देखा जाए तो तब देखा गया कि अब ये सिर्फ डचीगाम नेशनल पार्क में नहीं है बाहर भी मूव कर चुके हैं जैसे कि तुलेल जो है सिंध वैली की तरफ जा रहे हैं गुरेज वैली से होते हुए राइट तो यहाँ पे सेंसेस आपको क्लियरली दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है इनके नंबर डिक्रीज ही हुए हैं तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू की बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने डब्ल्यू 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 एफ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाया तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड जो है उसको टू थाउजेंड टेन में यहाँ पे ये आया विद द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो वाइल्डनेस है जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेव करना है कंजर्वेशन ऑफ हंगुल भी एक उसका एम था मेन इसका यही प्रोसेस था कि कम्युनिटी सपोर्ट हम यहाँ पे लाएंगे अवेयरनेस मैनेजमेंट जो है वाइल्ड लाइफ की वो करेंगे लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कम्युनिटी सपोर्ट जैसी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया गया उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फ़ंड जो है हंगुल कंजर्वेशन के लिए एच जिसको हंगूल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है वो लॉन्च किया गया कि जो इश्यूज़ हैं जिससे हंगूल स्पीशीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है हम उसको ठीक करें लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं कर पाई तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये प्रोजेक्ट एक फेलियर रहा है पहला कि कोई भी लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन इस प्रोजेक्ट में हमको नहीं दिखती यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ कौन सी हैं जैसे गुजरस बकरवालस हो गए नंबरदार चौकीदार पटवारीज उनको इंक्लूड नहीं किया गया उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी कन्फाइंड रखा गया इसका रेडियस जो है वो बहुत कम रखा गया उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं डचिगाम नेशनल पार्क के आगे पीछे खोलने के लिए उसका परमिशन दे दिया इससे आपके वाइल्ड एरियाज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए फिर देयर वॉज इ एंड रेकलेस अन साइंटिफिक एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइम स्टोन स्ट्रैचिंग लाइम स्टोन स्ट्रैचिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा हुई तो ये एनिमल्स के लिए डेथ ट्रैप्स की तरह काम किया फिर मिलिटेंसी एक अलग इशू है जिससे कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके बहुत ज्यादा वीक रहे और लेटर ये जो प्रोजेक्ट है इसको फिर से रीनेम किया गया सेव कश्मीर रेड डियर हंगुल 2009 में ये भी एक अटैम्प्ट था कि हंगूल को हम कैप्टिविटी में ब्रीड करें क्योंकि इनिशियली इन्होंने नहीं सोचा था कि कैप्टिविटी में हम इसको ब्रीड करवाएंगे लेकिन फिर इन्होंने सोचा फंड्स जो हैं वो सैंक्शन किए गए कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए और ये जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं ये जैसे सिकारघा त्राल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कंगन यहाँ पे ये खोले गए लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है इनके नंबर्स में वो हमको नहीं दिखी तो ये सब बातें थी प्रोजेक्ट हंगूल के बारे में तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले याद रखिए नाइनटीन सेवेंटीज़ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2009 में इसको फिर से कोशिश की गई कि इसको हम अच्छे से आगे लेके जाएं लेकिन अच्छे नंबर्स हमको देखने को नहीं मिलते तो पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन हंगूल के बारे में इस एनिमल के बारे में आप बात कर सकते हैं फिर इसके कंजर्वेशन एफ़र्ट्स के बारे में फिर फेलियर्स कि क्यों हमें लगता है कि ये प्रोग्राम एक फेलियर रहा और उसके क्या रीज़न है वो इस पी में आपको और लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको मिल गए होंगे तो चलिए यही था आज का डिस्कशन आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं पी डी एफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा Thank you so much.